नमस्कार, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं गांव की भारती स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने बावन नगरी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं झारखंड के बावन नगरी में स्थित देवघर में हूँ। और ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ना, ये है गुरु पूर्णिमा के दिन की। और यहाँ पर मैंने छोटी सी क्लिप बनाई थी, ये देखिएगा आसमान में कितने अच्छे बादल छाए हुए थे ना। तो दोपहर तक बहुत तेज़ वाली धूप थी और अचानक थोड़ी बहुत ही बारिश जब हुई ना, तो बादल ऐसे टूटे हुए दिख रहे थे, बिखरे हुए, देखिए कितने प्यारे लग रहे थे। तो मैंने इसकी छोटी सी क्लिप तैयार कर ली थी। तो जी, सुबह की हमारी चाय पानी हो गई है और अभी मैं बस आलू को फैला रही हूँ। तो ये जो आलू आप देख रहे हैं ना, ये एक दिन पहले की है। तो पहले ही इकट्ठे में यहाँ पे आलू आया था, तो ये बोरी में था, तो इसके लिए इसको मैं क्या कर रही हूँ, पहले फैला रही हूँ। तो इसको फैलाना क्या है ना, बहुत ज़रूरी होता है। और तेज़ वाली धूप जो हो रखी थी ना, तो जिसके कारण ये बाहर में ही था, तो इसको बस मैंने क्या किया, एक कोने में इसको फैला दूँगी अच्छे तरीके से। तो हमारे यहाँ आलू जो है ना, इकट्ठे में ही आती है, एक केजी या दो केजी इस तरीके से जब मंगाते हैं ना, तो आलू की खपत घर में बहुत ज़्यादा होती है। तो इसके कारण आलू और प्याज जो है ना, आप इकट्ठा ही मंगा लोगे तो इसमें आसानी हो जाती है। चलो घर में कुछ रहे ना रहे, पर आलू रहनी ही चाहिए, ताकि आलू की भी कुछ सब्जियाँ बना सकते हैं आप, अगर हरी सब्जी ताज़ी नहीं है घर में तो। तो इसी के लिए इकट्ठे ही आलू आ जाते हैं हमारे घरों में। और यहाँ पे जो है ना, ये कोने वाला पार्ट है हमारे कमरे का, आगे का पोर्शन है। और ज़्यादा स्पेस तो नहीं है, क्योंकि हम आप जैसा कि जानते हैं कि बहुत छोटी जगह में हमारे घर को तैयार किया गया है। तो इसके लिए हमें छोटा सा ही जगह पे क्या करना है, इसको फैला देना है, ताकि ये ठंड में बिल्कुल अच्छे तरीके से ये रहे। तो धीरे धीरे से मैं यहाँ पे एक एक करके फैला दूंगी। इसमें काफ़ी जो है ना, सड़े हुए भी आलू हैं, जिसमें मैं जब देख रही हूँ, तो ये देखिएगा एक दो आलू सड़े हुए निकल रहे हैं, तो इसको बस मैं निकाल दूंगी। क्योंकि अगर मैं इसको छोड़ दूंगी ना, तो एक के साथ दूसरे भी आलू सड़ जाएंगे। तो पूरी तरीके से ये अच्छी रहे, इसके लिए हमें एक एक आलू को देख देख के यहाँ से मैं फैला दूंगी। तो जी, गांव के घरों पे क्या है ना, छोटे बड़े बहुत तरह के काम हो जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों को किस प्रकार से आप मैनेज करते हैं, ये हमारे पे ही डिपेंड करती है। तो अभी बच्चे तो बस पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई हो जाने के बाद मैं फिर उनको नहला दूंगी अच्छे से, फिर थोड़ा बहुत घर का भी क्लीनिंग करना है, तो वो भी मैं निपटा लूँगी जल्दी से। इसके बाद मुझे करना होगा दोपहर में सिलाई का काम, उसके बाद मैं शाम को करूँगी अपने चैनल के लिए काम। तो जी, आप तो जानते ही हैं कि मेरा सेकंड चैनल भी है। आप सभी को अगर सिलाई से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी लेनी है, तो आप हमारे दूसरे चैनल पे लॉगिन कर सकते हैं। वहाँ से आपको सभी चीज़ें, सिलाई से जुड़ी हुई चीज़ों को आसानी से देख सकते हैं। और मैं अभी इस काम को ख़त्म कर लेती हूँ।
तो आपने देख ली बच्चों की मस्ती, इन लोगों की शैतानी बस इसी प्रकार से सुबह से शाम तक चलती रहती है। तो अभी जो मैं शेयर कर रही हूँ ये देखिएगा, ये है बेसन के गट्टी की सब्ज़ी और माँ के हाथों की है। तो मम्मा जब बनाती है ना इसको बहुत अच्छी तरीके से बनाती है और इसका स्वाद जो आता है ना, तो आप किसी तरीके से भी बना लो इस तरह के स्वाद नहीं आ पाते हैं। तो आज बस मम्मी वही बना रही है। तो यहाँ पे मम्मी जो है तरीका बहुत पुराना है। तो ये देखिएगा अभी क्या है ना, इसमें बेसन लिया हुआ है और साथ में मैंने इसके रखे हैं हल्दी है, नमक है और काली मिर्च है, थोड़ा सा इसमें मिर्च पाउडर है और साथ में मैंने इसमें डाला है सरसों तेल। मम्मी जितना बताती गई है बस उतना ही डालती गई हूँ मैं। और बस इसको बहुत टाइट डो लगाना है, जैसे आप आटे को गूंथते हैं ना, तो उसी प्रकार से इसमें हल्का हल्का पानी से आप बिल्कुल कम कम मात्रा लेकर आप इसको डो लगा लीजिए। दस से 15 मिनट के लिए इसको अच्छे तरीके से देखिए गूंदना पड़ता है और इस तरीके से गूंदने के बाद आप थोड़े टाइम के लिए इसको रेस्ट के लिए रहने दें। नानी बना रही है राम रोज। क्या हुआ लपुआ, क्या हुआ? अच्छा ठीक 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 ठीक, पॉटी लग गया बाबू को। किसको पोटी लगा है? तुमको? तो ये देखिएगा आलू गट्टे की सब्जी बनाने से पहले हमें इसे क्या करना है, अच्छे तरीके से गोल राउंड शेप में मैंने इसे बॉईल किया और पानी में बॉईल हो जाने के बाद इसे अच्छे तरीके से आप फ्राई कर लीजिएगा। और यहाँ अब मैं मसालों को तैयार कर रही हूँ। तो सबसे पहले मसालों में मैंने तेज़पात का तड़का लगाया है और साथ में खड़े प्याज को लिया है, बारीक रूप से इसे मैंने कट करके लिया है और थोड़े टाइम के लिए इसको हम रोस्ट कर लेंगे। ये देखिएगा इस तरीके से तैयार कर लेने के बाद यहाँ पे मैं सभी मसालों को ऐड करके ले ली हूँ और साथ में मैंने दो बड़े साइज़ के टमाटर को पेस्ट किया है, दो से तीन प्याज को मैंने यहाँ पे पेस्ट बनाया है और मसाले में मैंने जीरा, काली मिर्च और धनिया और साथ में लिया है लाल मिर्च पाउडर, सभी के पाउडर ही लिए हैं मैंने और साथ में हल्दी और नमक आप स्वाद अनुसार लीजिएगा। सभी मसाले को एक साथ ही मैं यहाँ पे देर लगा रही हूँ देखिएगा। और यहाँ पे मैं दे रही हूँ साथ में टमाटर और सभी मसालों को इसी तरीके से भून लेना है हमें। भून लेने के बाद हम इस पीसेस को भी ऐड कर लेते हैं और इसे भी अच्छे तरीके से चलाने के बाद हमें क्या करना है, इसमें पानी ऐड कर लेना है और साथ में मैं 1 से 1.5 चम्मच यहाँ पे गरम मसाला यूज़ कर रही हूँ और इसका स्वाद बहुत टेस्टी है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।